বৃন্দ, সমস্ত ভক্ত মণ্ডলী, মাতৃবৃন্দ, ভাই ও বেহন, আজ শ্রী নরসিং চতুর্দশী, ভগবান নরসিং দেব কা আবির্ভাব তিথি। প্রাতঃকাল ইয়াহ পর হবন দ্বারা তা নরসিং জি কে ওর ইসকে পশ্চাৎ অভি কে বলনে কে লিয়ে থোড়া সা সময় মিলা হ্যায়। তো আপ লোগোঁ কে সামনে দো শব্দোঁ মে কুছ কহনে কো প্রয়াস করতা হুঁ। সবসে পহলে আপ লোগ শ্রীমদ্ ভাগবত কে নরসিং দেব কি প্রার্থনা কি হ্যায়, জো ভগবান নরসিং দেব কে লিয়ে এক মন্ত্র বতায়া। আপ সবই লোক মন্ত্র কো বলিয়ে না মেরে সাথ বলেঙ্গে, ঠিক হ্যায় না? ওম নমো ভগবতে নরসিংহায়, দীপ্তস্তেজস্তেজসে আবির আবির্ভবত্, বচনখ বচনংশ্চ পরমাশয়ান রন্ধ্রজ রন্ধ্রজ, তমো গ্রস গ্রস ওম স্বাহা, ওম হৃষ্ট ওম অভয়ম অভয়ম আত্মনে, ওম হ্রীম শ্রম ওম নমো ভগবতে নরসিংহায়, দীপ্তস্তেজস্তেজসে আবির আবির্ভবত্, বজ্রনখ বজ্রদংশ্চ পরমাশয়ান রন্ধ্রজ রন্ধ্রজ, তমো গ্রস গ্রস ওম স্বাহা, ওম হৃষ্ট ওম অভয়ম অভয়ম আত্মনে, ওম হ্রীম শ্রম ওম নমো ভগবতে নরসিংহায়, দীপ্তস্তেজস্তেজসে আবির আবির্ভবত্, বজ্রনখ বজ্রদংশ্চ পরমাশয়ান রন্ধ্রজ রন্ধ্রজ, তমো গ্রস গ্রস ওম স্বাহা, ওম হৃষ্ট ওম অভয়ম অভয়ম আত্মনে, ওম হ্রীম শ্রম। হে ভগবান নরসিং দেব, আপকো হম নমন করতে হ্যায় কি আপ মহান তেজশালী, জো মহান তেজ করোড়ো সূর্য কে সমান প্রকাশশীল, আবির আবির আপ হমারে হৃদয় মে প্রকট হো, আবির্ভূত হো হম সবকে হৃদয় মে আয়ে, বজ্রখ বজ্রদংশ্চ আপকে নখ জো হ্যায় বজ্র কে সমান, और आपके दांत जो है वज्र जैसा है, कर्माशयान रंध्र रंध्र हमारे कर्मों के गांठ को खोल दे, जो हमारे जीवन का कर्म बंधन है इसको आप खोले, कर्माशयान रंध्र रंध्र तमो ग्रस ग्रस हमारे हृदय के जो अंधकार है उस अंधकार को ग्रास कर लें, आप उसे समाप्त कर तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। हे नरसिंह देव, आपके चरणों में हम समर्पित हैं, आपसे हम प्रार्थना करते हैं, तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, ओम वृष्ट हे महा, ओम कर्माशय ओम कृष्ण से ओम स्वाहा, ओम कृष्ण ओम अवयम अवयम आत्मनि, आप हमारे हृदय में अवय प्रदान करें, हे प्रभु ओम
बीज मंत्र रूपी कहलाता है। तो भागवत में वर्णन है, हे प्रभु हम सबके हृदय के अज्ञान अंधकार को दूर करते हुए अब हृदय में प्रकट हो, अपने प्रकाश को फैलाए और हमारे कर्मों के गांठ को खोले, हमें अभय प्रदान करें। तो देखिए भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, ये तीन परावस्था अवतार कहे जाते थे, जिसमें नरसिंह भगवान और श्री रामचंद्र और भगवान श्री कृष्ण। ये भगवान श्री कृष्ण जो है कोटा बताने सोलह कलाओं में परिपूर्ण, उनके अंश अवतार के रूप में नरसिंह भगवान को कहा गया, परंतु अवतार होते हुए भी उनमें एक विशेषत्व महत्व दिखाई है, जो भगवान नरसिंह देव स्वयं सचिदानंद गौर है, उन्होंने भी नरसिंह रूप प्रकट करके अपने स्वरूप को दिखाया। और ऐसे जो नरसिंह भगवान हैं, सबके हृदय के अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले हैं। अभी आपने प्रहलाद की कथा सुनी है और आप सभी लोग इन विषयों को खूब जानते हैं, प्रहलाद महाराज की कथाओं को। क्यों प्रहलाद महाराज सबसे पहले क्या हुआ, उनको संस्कार कहाँ से मिला, माता के कोख में रहते, जब देवराज इंद्र उनकी माँ को पकड़ के ले जा रहे थे कि इस बालक के जन्म लेते ही इसे मार डालना, तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी हंसते हुए बोले, देवराज अरे इतना बड़ा अपराध करने जा रहे हो। बोले क्यों, इस गर्भ में जो बालक है वो असुर नहीं है, वो महाभागवत है, उनके चरणों में अपराध करेगा मरेगा क्या, छोड़ दो इसे। तब भी छोड़ के चले गए और देवराज जी नारद जी उस कैदु को शरण दिया, आश्रय देते हुए उनको भगवान की कथा सुनाई। बहुत समय तक उन्होंने भगवान की कथा सुनाई और वो कथा केवल प्रहलाद के लिए। प्रहलाद जी कहते हैं, मेरी माता जी तो असुर पत्नी होने के कारण बहुत लंबे समय हो जाने से माता जी भूल गई, परंतु मैं भूला नहीं। माता के कोख में रहते हुए मुझे जो संस्कार दिया, जो शिक्षाएं थी, मैं उन शिक्षाओं से शिक्षित हुआ और निरंतर मैं भगवान के मंत्रों का जप करता रहा। इसी कारण प्रहलाद को यह जो संस्कार मिला, इसी संस्कार से प्रहलाद इतने बड़े हुए, इतना बड़ा महान हुआ। इसलिए कहा जाता है भागवत में बार बार कह रहे हैं, यहाँ तक कि भगवान कपिल देव ने माँ देवती को कहा, ये माता बच्चे जब 6 महीना के होते, 6 महीना में होते ही उसे ज्ञान आता है और ज्ञान आते ही वो बालक छटपटाता है माता के कोख में। बोले क्यों छटपटा रहा है, क्या बात है, उसको सैकड़ों जन्म की याद आती है, उसने पिछले सैकड़ों जन्म में क्या क्या किया है उस समय वो देखता है, अनुभव करता है, तब वो छटपटाता है। उस समय यदि उसको कोई अच्छा संस्कार मिले, भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, तो यही जीवन का सबसे बड़ा परम लाभ है, सबसे बड़ा लाभ। इसलिए प्रहलाद को वो कथा मिली और उसी से वो बदल गए, और बदल गए तो बदल गए कितने बड़े महान भागवत बन गए। ऐसे प्रत्येक के जीवन में माताओं को यह सबसे बड़ा चीज है कि बच्चों को संस्कार दें।
यही संस्कार देना ही सबसे बड़ी बात है। आप क्या देना चाहते हैं, उस बालक के लिए क्या देंगे, तो यही चीज है। जो संस्कार मिल जाए, इतने बड़े संस्कार, जिस संस्कार से बड़े बड़े महान पुरुष मिले, कवि जयदेव, विद्यापति, चंडीदास, गोविंद दास, शेखर दास, भोजन दास, बड़े बड़े वैष्णव कवि हुए, और श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि सभी लोग आए। किस से? इसी संस्कार से किया है। माताओं ने उनको संस्कार दिया, तब इतने बड़े महान बन करके धरती पर आए और इतनी बड़ी प्रतिष्ठा को उन्होंने अर्जन किया, जो कि सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है भगवान के चरणों में भक्ति। इसलिए यह अति आवश्यक है, ये सबके लिए शिक्षा है, सभी को यह ग्रहण करना चाहिए। देखिए प्रहलाद के जीवन, आपने सुना है अभी जीवन का है, हिरण्यकश्यपु ने तो वो बल से बलियान हो उठा, बड़े मद में मत हुए, और विष्णु के प्रति शत्रुता होने के कारण उसने धरा को शराबी ज्ञान नहीं किया, यानी किसी को भी कोई गिनते नहीं, सबको मारते पीटते और सबको हमते मने विनाश करते थे। ऐसे हिरण्यकश्यप प्रहलाद के प्रति कितना बड़ा बड़ा अत्याचार किया, खाने नहीं दिया, विष दिया और पहाड़ों से गिराया और समुद्र में गिराया, आग में जलाने को प्रयास किया, सांपों के बीच में डाला, हाथी शेर भल्लू इत्यादि के बीच में कि भूखा जाए, इस तरह से मारने के लिए निर्यातन किया। तो यह देखा जाए कि जीवन में, देखिए सबके जीवन में कुछ विष भी आता है और अमृत भी, दोनों ही पान करना पड़ता है। आप लोग बताइए जीवन में विष और अमृत का पान हो रहा है या नहीं? कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है, सभी को विष पीना पड़ता है, जहर घुटना पड़ता है और अमृत भी पीना पड़ता है। तो यही जीवन में आता है, तो प्रहलाद जी की कितना कथा को इतना महत्व क्यों दिखाया? बोले कि भाई देखो प्रहलाद महाराज जी की जीवन में कितनी कठिनाई आई, कितनी बाधाएं आई, ऐसे भजन करते समय, भगवान की भक्ति करते समय हम सबके जीवन में बाधाएं आती हैं। अभी फनी आया था ना, फनी और कितना आंधी तूफान मचाया, और लोग सरकार ने लोगों को हटाया, बोले कि भाई हटो, जगन्नाथपुरी से हटा दिया, 12 लाख आदमी को हटा दिए, भी बेटिकट ही गाड़ी में भेजा, बोले देखना नहीं सुनना नहीं, हटा से बैठो और भागो, यहाँ से हट जाओ। तो लोगों को बचाया, नहीं तो कितने हजारों लाखों के दिन वहां मरते, विनाश हो जाते, उस आंधी तूफान से बचना बड़ा कठिन काम था। तो ऐसे जीवन में क्या क्या परिस्थितियां आती हैं, तो जो कोई अतिक्रम करेगा तब पका हुआ आम हो करके निकले, उसको शुरू से ही उसके पीछे आंधी पड़ा हुआ है, काल वैशाखी बोलते, और उस आंधी तूफान को झेलते झेलते जब एक दिन वो पक जाता है, पेड़ में लटका हुआ आम पका हुआ आया, तब तो उसका मिठास अनुभव होता है। ऐसे भक्ति करते हुए जीवन में बाधाएं आती हैं, इसको जो कोई झेल सकता है तब तो वो भजन करेगा, नहीं तो थोड़ी सी कोई बातें हुई आप छोड़ करके भागे। गुरु जी कहते थे गोपाल जी की तो खूब पूजा कर रहे हैं, कोई परेशानी आ गई तो गोपाल जी को उठा करके जमुना में फेंक दिया, बोले जा गोपाल जी तुम्हारी पूजा करते थे हमारे जीवन में बाधाएं आई और ये कष्ट आ रहा है, ये परेशानी, अब तुम्हारी पूजा हम नहीं करेंगे, उससे अच्छा है काली मैया की पूजा करेंगे। तो इसलिए लोग भाग जाते हैं। तो भागवत में सिखा रहे हैं भाई प्रहलाद की तरह जीवन में झेलना सीखो,
तब तो भजन होगा, तब इतनी परीक्षा में पारदर्शी हो करके तब तो पास करके आगे निकलेगा कि हाँ भगवान भी बोले कि हाँ ये मेरा भक्त है, भजन करता है। तो भगवान ने क्या किया, गोविंद बाहु परिरंभित बाहर से गिराया। तो भगवान ने हाथ बढ़ा दिया, हाथ के हथेली में आ गए, भगवान ने उठा करके उनको एक गाड़ी में बैठा दे और घर में पहुंच गए। फिर समुद्र में गिराया, भगवान ने अपने हाथ का कवल जो है गिरा दिया, समुद्र में गिरा दिया। और प्रहलाद आकर के गिरे तो गिरे, कहां गिरे, कमल में, कमल में आकर के गिरे। तो वहीं बैठे, बैठने पर फिर वो किनारे आ गया, मैया के पास पहुंच गया। ऐसे ही प्रहलाद के जीवन में हुआ। तो भक्तों के जीवन में जितनी भी बाधाएं आती हैं, तो तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षा मानो, ये भगवान की कृपा है, उनका अनुग्रह है हमारे जीवन में। हे भाई 7 बजे 7:07 तक बात करेंगे, अच्छा कर अभी आवा, अभी महाराज ने बता दिया मोबाइल से 7:07 7 मिनट का टाइम दिया, अभी तो हमें 7 मिनट दीजिए, अरे उसके बाद वो आएंगे, अल्लाह वो तो 7 मिनट अभी 2 मिनट है, अभी 7 बजा नहीं है, अभी 7 मिनट और टाइम लगेगा, तब करेंगे, तब आएंगे, अरे होगा भाई। हाँ तो देखिए, तो ऐसे प्रहलाद के जीवन में बाधाएं आती रही, परंतु उन बाधाओं में कौन बचाया, किसने बचाया, भगवान ने। तो भगवान को भी तो मौका देना पड़ेगा कि हमारे जीवन में बाधाएं आए, पहले किसने मांगा, किसने कहा। भागवत के अंदर ऐसा कोई पात्र का वर्णन करे, बोले कुंती देवी ने प्रार्थना की, कुंती देवी होती रही, बोले कि तो कृष्ण बोले बुआ जी आप इतना रो रही है, इतना कह रही हो, बोलो क्या चाहती हो, जो पूछ मांगोगी आज मैं देने को तैयार। तो कुंती देवी ने क्या प्रार्थना की, विपद संतु तत्र तत्र जगत, हे जगत मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे विपत्ति चाहिए। अरे विपत्ति, अरे हजारों विपत्तियां आवे यही हमें चाहिए, बोले क्यों। तो भगवान भी हैरान हो गए, अरे ऐसी बात, बोले क्यों, बोले जहां जहां विपत्ति आई, जब जब विपत्ति आई, परेशानी आई, तब तब तुम मेरे सामने आए और हमेशा हम सबकी रक्षा की और हमारे सामने। आज आनंद के दिन में, आनंद की घड़ी में, इतनी पांडवों पर आज मेरे लिए अपना सुख है, अब तुम आना भूल जाओगे, परंतु जब विपत्ति होगी तब तो हर घड़ी हर पल हमारे पास, इसलिए हमें हुई थे। तो ऐसे ही जीवन में ये झेलने को सीखे, ये प्रहलाद की कथा से हमें सीखने को मिलता है। और इतनी दृढ़ता, इतनी मजबूती, इतने शक्ति आ जाए कि हम उसे झेल सके, और झेलते झेलते मजबूत बन जाएंगे, है ना। एक जीवन होता है मिलिट्री वालों का जीवन, बोले उससे भी कहीं जीवन देखो तो साधुओं का जीवन, बोले झेलो और कठिनाई को झेलते झेलते और मिट जाए, कभी हम भजन नहीं छोड़ेंगे, प्रभु को हम भूलेंगे नहीं, उनका स्मरण करेंगे। प्रहलाद जी क्या बता रहे हैं, दंता गजाराम पुलिसाग्र नेष्ठुरा शीर्णा जलेते नवलम्ब वैतर, बोले मेरे पिताजी ने कितनी कितनी परेशानियां उठा दे दी और हमें झेलना पड़ा, पर किसी भी विपत्ति में हमने कोई बल का प्रयोग नहीं किया, हमने कोई हथियार का प्रयोग नहीं किया, कुछ नहीं किया, जो जो कुछ करते रहे करें हमारे जीवन में आया, केवल मैंने क्या किया, जनार्दन अनुस्मरणानुभाव, भगवान का मैंने निरंतर स्मरण किया।
सारी बाधाएं टल गई, टल गई। इसलिए ये प्रहलाद की शिक्षा से ग्रहण करना है। जहाँ प्रहलाद महाराज जी ने इतना सब कुछ झेल लिया, तब भगवान जी स्वयं प्रकट हो गए, उनको आना ही हुआ। कहाँ से आ गए? खंभे से ना। तो स्तंभ पुत्र बन करके आ गए, माता के कोख में भी जन्म नहीं, कुछ नहीं, और खंभे से आ गए, आ करके प्रकट हो गए। भगवान तो सर्वव्यापी है, सर्वांतरयामी है, भी कुछ भी करने को तैयार, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। वे निराकार निर्विशेष नहीं है, साकार सच्चिदानंद स्वरूप, और वे स्वयं प्रकट होते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रहलाद से क्या बोले? बोले कि प्रहलाद, मेरे आने में देर हो गई, तुम मुझे क्षमा करना। और बोले भगवान स्वयं बोले, और बोले कि बल मानो, बोले मारने की इच्छा अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, ये समाप्त तो हो जाए, यही बोल दीजिए। बोले ये तो बोल देना नहीं हुआ, और तो पूछ दू, बोले पूछ तो मांगो। बोले मेरे पिताजी को क्षमा कर दे, उद्धार कर दे। बोले पिताजी का उद्धार कभी हो गया है, उसकी चिंता मत कर, और कुछ मांगो। बोले संसार में जितने लोग हैं मेरी और तुम्हारी कथाओं को सुनते हैं, जो आपकी कथाओं को सुनते हैं ना, बोले कि संसार के जितने लोग हैं उन सब का उद्धार हो जाए। बोले देखो, जो कोई मेरी कथाओं को तुम्हारी कथाओं को सुनेंगे, सब का उद्धार हो जाएगा, इसमें चिंता मत करो। तुम जिन लोगों की चिंता करोगे उन सब का उद्धार हो जाएगा। ऐसे प्रहलाद जी को भगवान ने वरदान दिया, इसलिए